हमने लाल किले की प्राचीर से कई प्रधानमंत्रियों को सुना है, और लगभग अधिकांश, लगभग सभी कह सकता हूं मैं, उन्होंने अपने संबोधन में देश के लोगों को आश्वस्त करते नजर आए थे कि हम, हमारी योजनाएं क्या हैं, देश कैसे आगे जाएगा, देश के सामने जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसको हम मिलजुल करके कैसे उसका समाधान निकालेंगे, और एक खाका बताते थे लोगों को, और एक आश्वस्त का भाव होता था कि हम अपने नेता को सुन रहे हैं। आज जो भाषण था सम्मानित प्रधानमंत्री जी का, वो उससे अलग था। एक एक दोबारा के लिए जन समर्थन मांगता हुआ, दो तीन चीज जिसे खटकने वाली चीज थी कि अगर आप मणिपुर की ही बात करें तो मणिपुर की बात उन्होंने कुल 5 या 7 वाक्यों में की। मेरे जैसा व्यक्ति समझता है कि अगर उसी मुद्दे को लेकर के वो देश के लोगों को ये आश्वस्त करते कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो एक दुर्भाग्यजनक घटना है और ऐसा देश के किसी कोने में नहीं होने दिया जाएगा, लोग सुरक्षित हैं, अब इस देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और सरकार अपने इस जिम्मेदारी का एहसास करती है, एक अगर इस तरह की बात होती कही जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग आश्वस्त होते। प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार के तमाम उपलब्धियों का उल्लेख किया और आंकड़े दिए, उन आंकड़ों की भी अगर आप छानबीन करेंगे तो वह एक तरफा और एकांगी आंकड़े आंकड़े हैं। उससे भी अब इस तरह के आंकड़े नहीं है जो कि जिसका विश्लेषण नहीं होगा। अगर आप जब तक सत्ता में नहीं थे तो आपके के द्वारा कही गई बातों का लोग विश्लेषण नहीं करते थे, मानते थे कि इस तरह का आश्वासन है और कुछ ना कुछ होकर सरकार करेगी। आज अगर आप जो बात कर रहे हैं उस पे इस बात पर आधारित मूल्यांकन, लोग सोचेंगे कि आखिर 9.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने किया क्या। आपने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण, ये तीनों सरकार देश के विकास में बाधक रहे, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सवाल है कि अगर ये 9.5 साल के सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने कौन सी बड़ी कार्रवाई की सिवाय विपक्षी दलों के उत्पीड़न के अलावा, क्या किसी के खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई हुई, किसी मामले को अंजाम तक पहुंचाया गया, जो भ्रष्टाचार के आरोपी देश से भागे हुए थे उनको वापस लाया गया, कौन सी बड़ी कार्रवाई हुई, जिन राजनीतिक दलों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे जिनको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो अगर आपके सत्ता में आ गए, आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो भ्रष्टाचार उनका खत्म हो गया। और एक दो घटनाएं नहीं है ऐसी, चाहे असम के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे पश्चिम बंगाल के तत्कालीन टीएमसी के नेता हों जो आपकी पार्टी में आए, उनका आपने विपक्ष का नेता बताया, क्या क्या नहीं कहा था गया था उनके बारे में। हाल के दिनों में अभी जब उत्तर पूर्व के चुनाव, राज्य में चुनाव हो रहा था तो मेघालय में आपने कहा कि यह देश की भ्रष्टतम सरकार है, और इस बिना पर लंबे चौड़े भाषण किए थे, और सामान्य लोगों ने नहीं किया था, सम्मानित गृह मंत्री जी ने किया था, प्रधानमंत्री जी ने किया था, परिवर्तन की बात की थी, और चुनाव के बाद उसी मुख्यमंत्री के साथ, उसी पार्टी के साथ सत्ता में शामिल हो गए, कोई ऐसा राज्य नहीं रहा।